अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि मूंग की दाल को कैसे पकाते हैं। ये एक बिल्कुल नया तरीका है और ये ड्राई दाल पकेगी। इसके लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लीजिए। सबसे हम पहले हमें चाहिए होगा 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 10 ब्लैक पेपर, 10 क्लॉव्स, 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप्ड, 1/2 कप ऑफ वाटर। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मूंग की दाल धुली हुई 2 कप। इसको 1 घंटा पहले चुनकर पानी में भिगो देंगे तो इसकी ये शक्ल हो जाएगी। इसको गलाने के लिए हमें 1 गिलास पानी चाहिए होगा। सबसे पहले हमें पानी में ये रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर एंड गार्लिक को मिक्स करके रख लेना है। इससे हम मसाला भूनेंगे। सबसे पहले हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके काली मिर्च और लौंग को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब ये मसाला जो हमने भिगो के पहले से रखा था उसको मैं फ्राई करूंगी। ये हमारा मसाला भून गया। अब मैं ये भीगी हुई दाल जो है इसके अंदर डाल के मिक्स कर लूंगी। ये अभी इसके अंदर हम गलाने के लिए 1 गिलास पानी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी हम इंतजार करेंगे कि पानी में उबाल आ जाए। जैसे उबाल आ जाएगा तो हम इसको तवे का दम लगा देंगे और गीले दस्तरखान का। देखिए अभी इसमें उबाल आ गया है। ये गीले दस्तरखान से मैं इसको ढक दूंगी और कम आंच पे हम तवे पर इसको पानी खुशक होने तक और दाल के गलने तक पका लेंगे। ये देखिए अभी हमारी दाल पककर तैयार हो गई है और पानी भी इसका अच्छे से खुशक हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। दाल को आप इस घर के पकाए हुए फुलके के साथ खाइए तो ये दाल बहुत मजा देगी। ये मैंने थोड़ा सा हरे धनिए से इसकी गार्निशिंग कर दी है। आप इसको घर की चपाती, प्याज और खीरे के साथ नोश फरमाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।